कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा गैलरी का फ़ोटो जो है वो डिलीट हो जाता है, हम घर में मोबाइल छोड़ देते हैं तो बच्चे जो क्या करते हैं मोबाइल चलाते रहते हैं, तो वो गैलरी में जाके जो मेरा इम्पोर्टेंट फ़ोटो होता है वो फ़ोटो डिलीट कर देते हैं, या खुद से ही कभी कभी किया होता है कि फ़ोटो जो है डिलीट हो जाता है, वो फ़ोटो जो होता है मेरा इम्पोर्टेंट फ़ोटो होता है, तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा जो इम्पोर्टेंट फ़ोटो था वो डिलीट हो गया है, उड़ गया है, उसको रिकवरी कैसे करेंगे, मतलब उसको वापस कैसे लाएँगे। तो मैं आपको आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में बताऊंगा किस तरीके से आपका जो गैलरी का फोटो जो डिलीट हो गया उड़ गया है उसको आप कैसे वापस लाएंगे। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सेकंडों में आपका जो भी गैलरी का फोटो जो उड़ गया है या खुद से ही उड़ा है या बच्चे ने उड़ा दिया है, तो उसको आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में उसको वापस ला सकते हैं। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपका गैलरी का फोटो जो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है वो उड़ गया है, उसको आप कैसे रिकवरी करेंगे, कैसे वापस लाएंगे, वो भी सेकंडों में। इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बनिएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि किस तरीके से हम अपने गैलरी का फोटो जो उड़ गया है उसको कैसे रिकवरी करेंगे, कैसे वापस लाएंगे। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपका गैलरी का फोटो जो उड़ गया है, जो डिलीट हो गया है, उसको कैसे वापस लाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. यहाँ पर देखिए जैसे गैलरी है, गैलरी को मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं देखिए कुछ यहाँ फ़ोटो है, मैं यहाँ पे गैलरी से फ़ोटो को डिलीट करके आपको इसको रिकवरी करके दिखाऊंगा कि अगर आपका गैलरी से फ़ोटो डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, या आपके घर में बच्चे मोबाइल चलाते हैं और फ़ोटो को डिलीट करके हटा देते हैं, उड़ा देते हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सेकंडों में उस फ़ोटो को रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं यहाँ पर दो फ़ोटो को इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं डिलीट करके इसको उड़ा देता हूँ और इसको मैं आपको रिकवरी करके दिखाऊंगा जो फ़ोटो को मैं अभी डिलीट करके उड़ाया हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ोटो को रिकवरी करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, वो एप्लीकेशन है यहाँ पर डिस्क डीजर। तो डिस्क डीजर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, ओपन करते ही यहाँ पे आपको देखने को कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता है। पहला है बेसिक स्कैन नो रूट, दूसरा है फुल स्कैन रूट रिक्वायर्ड और तीसरा है विप फ्री स्पेस। तो यहाँ पहले वाले ऑप्शन पर आएंगे बेसिक स्कैन नो रूट और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन, आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे परमिशन के अलावा ऑप्शन आएगा, आपको परमिशन दे देना है। यहाँ परमिशन देते ही यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ जीरो फाइल फाउंड है, तो यहाँ पर जो भी फ़ोटो आपके मोबाइल से गैलरी से डिलीट हुआ है वो सारे के सारे फ़ोटो को आपको यहाँ पे रिकवरी करके वापस यहाँ पे ला देगा, चाहे ये आज का हो, एक दिन पहले का हो, साल, दो साल, चार साल, यह कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो सारे के सारे जो फ़ोटो आपके मोबाइल से गैलरी से डिलीट हुआ है वो सारे के सारे फ़ोटो को यहाँ पे आपको रिकवरी करके ला देगा। यहाँ पर देखिए कि 1050, 1214 इस तरीके से यहाँ पर आपका जितना भी फ़ोटो डिलीट हुआ है वो सारे के सारे फ़ोटो को ला देगा। चलिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि हम जो भी फ़ोटो को डिलीट किए हैं वो आया है या नहीं। यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पे फ़ोटो डिलीट किया था, वो फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। तो और एक फ़ोटो यहाँ पे मेरा ये है, तो ये फ़ोटो और ये फ़ोटो, मैं दो फ़ोटो को वहाँ पे डिलीट किया था। आप इससे पहले वीडियो बैक करके देख सकते हैं कि मैं इन दोनों फ़ोटो को डिलीट किया था, वो दोनों फ़ोटो यहाँ मेरा आ चुका है। तो इस तरीके से आपके मोबाइल में, आपके गैलरी में से आपसे ही गलती से कोई भी इम्पोर्टेंट फ़ोटो होता है वो डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, या बच्चे घर में होते हैं मोबाइल चलाते रहते हैं ना तो डिलीट करके हटा देते हैं। तो अब ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इम्पोर्टेंट फ़ोटो था उसको डिलीट करके हटा दिया, इसको आप कैसे लाए ना लाए, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप सेकेंडों में उस फ़ोटो, जो फ़ोटो को आपसे ही गलती से उड़ गया है या बच्चे उड़ा दिए, उसको आप सेकेंडों में उसको रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा इतना फ़ोटो जो है यहाँ पर रिकवरी होकर आ चुका है, यहाँ पर देखिए 3900, 4037, 4092। इस तरीके से आपको जितना भी पुराना फ़ोटो है या आज का है या कितना भी पुराना फ़ोटो है वो सारे के सारे फ़ोटो को यहाँ पर रिकवरी करके ला देगा, यहाँ पर रिकवर का ऑप्शन
ऑप्शन आपको मिल जाता है। चलिए मैं जो फोटो मैं डिलीट किया था वो फोटो को मैं रिकवरी कर लेता हूँ। तो अब जो भी फोटो को आपको रिकवरी करना है उस पर आपको टिक लगाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इस तरीके से टिक लगा दूंगा। इस तरीके से आप जो भी फोटो को आप रिकवरी करना है ना, इस तरीके से आप सारे के सारे फोटो को टिक लगा दीजिएगा, वो सारे के सारे फोटो आपका रिकवरी होके आ जाएगा। चलिए इसमें से और कुछ और फोटो जो मेरा डिलीट हुआ था बहुत पहले का था, वो फोटो मैं कुछ इस तरीके से रिकवरी कर लेता हूँ, वापस ले आता हूँ। तो इस तरीके से मैं कुछ फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जो भी फोटो जो डिलीट हुआ था मैं आपके सामने डिलीट करके दिखाया था वही फोटो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। मैं यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये फोटो था, ये वाला फोटो था और ये एक फोटो ये था, दो फोटो को मैं डिलीट किया था। इस सारे फोटो को मैं रिकवरी कर लूँगा। तो यहाँ रिकवर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला है यहाँ पर रिकमेंडेड, ये वाला नहीं करना है। दूसरा है लास्ट है अपलोड, वो भी नहीं करना है। और आपको बीच वाला ऑप्शन मिल जाता है सेव द फाइल्स टू ए कस्टम लोकेशन ऑन योर डिवाइस, आपको बीच वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ थ्रेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको SD कार्ड मिल जाता है, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। आपको किस में आप जो फोटो रिकवरी करना चाहते हैं, किस में आप सेव करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे चलिए हम यहाँ पे SD कार्ड ही चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको फाइल ऑप्शन है कि आप कौन सा फाइल में रखना चाहते हैं। चलिए इसमें से आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, या आप चाहते हैं कि हम कोई फाइल में नहीं रखे ऊपर में ही आए तो सिंपली आपको कोई फाइल को सिलेक्ट नहीं करना है। चलिए हम चाहते हैं कि ऊपर में ही आए तो सिंपली यहां सेलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक, यहां पे रिकवर कंप्लीट, इस तरीके से आपका रिकवर कंप्लीट होके आ जाता है। चलिए आप जो हम फाइल रिकवर किए हैं वापस लाए हैं वो देख लेते हैं कि मेरा गैलरी में आया है या नहीं। तो सिंपली यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और यहाँ गैलरी को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए कि ऊपर में ही यहाँ पे SD कार्ड करके आ चुका है। इस तरीके से मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर देखिए कि मैं इस फोटो को जो है डिलीट किया था, ये फ़ोटो को डिलीट किया था आपके सामने में, वो फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। और मैं कुछ और फ़ोटो को यहाँ पर मैं रिकवरी कर लिया हूँ, जो मेरा बहुत पहले का फ़ोटो था वो सारे के सारे फ़ोटो मैं यहाँ पर रिकवरी कर लिया हूँ। आपको बहुत सारा वहाँ फ़ोटो मिल जाता है, जिस भी फ़ोटो को आप रिकवरी करना चाहते हैं वापस लाना चाहते हैं, बस आपको प्ले स्टोर में जाना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी फ़ोटो को आप रिकवरी करना चाहते हैं आप उसको रिकवरी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5,667 फ़ोटो अभी तक, 5,703। इस तरीके से आपको जितना भी फ़ोटो रहेगा ना पुराना से पुराना, वो सारे के सारे फ़ोटो को यहाँ पर रिकवरी करता ही रहेगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।